Hello everyone, welcome to Abhimanyu IAS. I hope you're all doing well. So if you want to properly prepare for state civil services, if PCS, HCS or HAS is your dream and you want to become a state civil servant, then we have a batch for you for combined preparation of state civil services, which comes with the feature of 7-day free trial. This 7-day free trial feature you can avail by going on the link given in the description box, and you can start your 7-day free trial now. इस 7-day free trial में आपको 7 दिन absolutely free of cost live lectures मिलेंगे, also more than 250 lectures के आपको access मिलेगी और आपको मौका मिलेगा ताकि आप हमारे expert faculty members से पढ़ सकें. Now let's come back to our series on international organizations, wherein today we are going to discuss IMF. आज हम IMF के बारे में बात करेंगे. So IMF या International Monetary Fund क्या है? IMF एक fund बनी थी in the year 1944 as a result of Bretton Woods Conference. 1944 में 44 nations ने मिलके एक conference की जिसका नाम था Bretton Woods Conference. Bretton Woods Conference क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि Bretton Woods Town, New Hampshire, US में ये conference हुई थी. As a result of this conference, दो bodies बनके आई थी जिनका नाम था IBRD या फिर International Bank for Reconstruction and Development and IMF. तो IBRD और IMF, इन दोनों को Bretton Woods Twins भी कहा जाता है. IBRD बनी थी ताकि यूरोप की रिकंस्ट्रक्शन की जा सके, क्योंकि यूरोप पूरा डिवेस्टेट हो गया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू. और IMF बनी थी ताकि BOP की जो शॉर्टेजेस हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो शॉर्टेजेस आ रही हैं, और जो कंट्रीज कंपेटिटिव डिवेल्यूएशंस कर रही थी अपनी अपनी इकोनॉमीज को बचाने के लिए उस टाइम पर, ताकि उस चीज़ को, वो कंपेटिटिव डिवेल्यूएशंस को रोका जा सके और कंट्रीज की हेल्प की जा सके, इसलिए IMF बना था. और वर्ल्ड ट्रेड को प्रमोट किया जा सके. IMF ऑल्सो प्रोवाइड्स टेक्निकल असिस्टेंस टू इट्स नेशन, ये अपने मेंबर नेशंस को टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है. नाउ एक और बात आई थी इसमें, पार वैल्यू सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. IMF और IBRD बना और पार वैल्यू सिस्टम ऑफ एक्सचेंज भी डिवाइस किया गया. ये क्या था? ये फर्स्ट फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था, राइट? इसमें सब करेंसीज की वैल्यू US डॉलर के साथ पेग कर दी गई, फिक्स कर दी गई विद रिस्पेक्ट टू US डॉलर. तो बाकी सारी करेंसीज की वैल्यू को फिक्स कर दिया गया US डॉलर के साथ, और US डॉलर की वैल्यू को फिक्स कर दिया गया 35 ounces ऑफ गोल्ड के साथ, ठीक है? तो US डॉलर की वैल्यू गोल्ड के साथ फिक्स कर दी गई और बाकी सब करेंसीज की वैल्यू को US डॉलर के साथ फिक्स कर दिया गया. इसको हम कहते हैं पार वैल्यू सिस्टम ऑफ एक्सचेंज या फिर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, राइट? ये एक्सचेंज रेट सिस्टम अब तक नहीं चल रहा है. दिस सिस्टम कोलैप्स्ड आफ्टर अ फ्यू इयर्स, क्योंकि गोल्ड की बहुत शॉर्टेज हो गई थी और डिमांड डॉलर्स की बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए दिस सिस्टम कोलैप्स्ड. नाउ IMF के स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि वर्किंग कंपोनेंट्स क्या हैं IMF के. IMF के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की. बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो कैसे होती है? सबसे पहले बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को हर एक कंट्री के दो रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, जिस एक होता है गवर्नर और एक होता है ऑल्टरनेट गवर्नर, ठीक है? ये दो रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में, गवर्नर और ऑल्टरनेट गवर्नर. और इंडिया में कौन है ये? गवर्नर एक्स ऑफिशियल फाइनेंस मिनिस्टर जाते हैं, और एज एन ऑल्टरनेट गवर्नर RBI के गवर्नर जाते हैं IMF में, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में. और अब हम बात करते हैं कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का काम क्या है. बोर्ड ऑफ गवर्नर्स न्यू मेंबर्स के इंडक्शन पे बात करती है, मेंबर्स के कोटाज, SDR एलोकेशंस इंक्रीज डिक्रीज करने पर डिस्कशंस होती हैं इसमें और डिसीजंस लिए जाते हैं. और ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, इनको दो मिनिस्ट्रियल कमिटीज होती हैं वो एडवाइस करती हैं. ये जो दो मिनिस्ट्रियल कमिटीज है वो है इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कमिटी, और दूसरी है डेवलपमेंटल कमिटी, राइट? तो इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कमिटी के 24 मेंबर्स हैं और डेवलपमेंटल कमिटी के 25 मेंबर्स होते हैं. ये जो डेवलपमेंटल कमिटी है ये जॉइंट कमिटी है. डेवलपमेंटल कमिटी जो है ये एक जॉइंट कमिटी है वर्ल्ड बैंक और IMF की, दोनों के मेंबर्स होते हैं इसमें, राइट? नाउ और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का क्या काम है? ये इलेक्शन या अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स करता है. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर्स होते हैं, ये 24 इन नंबर है. इनका जो इलेक्शन या अपॉइंटमेंट होता है उसको भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स करता है, राइट? और एग्जीक्यूटिव बोर्ड का काम क्या है?
ये डे टू डे फंक्शंस कैरी आउट करता है आईएमएफ के, जो डे टू डे फंक्शंस हैं उनको कैरी आउट करना एग्जीक्यूटिव बोर्ड का काम है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का काम है। अब एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है उसका लीडर कौन है, उसका हेड कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ जो होता है वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का लीडर होता है, राइट? तो अभी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ कौन है? क्रिस्टलीना जॉर्जीवा, क्रिस्टलीना जॉर्जीवा, राइट? ये जो है ये मैनेजिंग डायरेक्टर है आईएमएफ की, ठीक है? शी इज द सेकेंड वेमेन टू बिकम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ। ये एक बल्गेरियन इकोनॉमिस्ट है, बल्गेरिया की इकोनॉमिस्ट है ये, राइट? अब हम बात करते हैं मेंबरशिप ऑफ आईएमएफ की। मेंबरशिप की हमने बात की कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स डिसाइड करते हैं, क्योंकि फिर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ये भी डिसाइड कर लेते हैं साथ में कि वो जो मेंबर नेशन है जो कि मेंबर बनना चाह रहा है आईएमएफ का, उसका कोटा कितना होगा और उसको स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स कितने एलोकेट किए जाएंगे, राइट? और कोई भी नेशन आईएमएफ का मेंबर बन सकता है, जरूरी नहीं है कि वो नेशन यूएन का भी पार्ट हो, यूएन का भी मेंबर हो। सो देयरफॉर इट इज नॉट अ मैंडेटरी, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर अ नेशन टू बी अ पार्ट ऑफ यूएन टू बिकम अ मेंबर ऑफ आईएमएफ। एंड टू बिकम अ मेंबर ऑफ आईएमबीआरडी इट इज मैंडेटरी फॉर अ नेशन टू बी अ मेंबर ऑफ आईएमएफ फर्स्ट, ठीक है? तो आईएमएफ का मेंबर अगर किसी नेशन ने बनना है तो उसके लिए यूएन का मेंबर होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर किसी नेशन ने आईबीआरडी का मेंबर बनना है तो उसके लिए आईएमएफ का मेंबर होना जरूरी है, राइट? अब लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम कोटा और वोटिंग की बात करते हैं कि एक नेशन का जो कोटा है, हमने कहा कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स डिसाइड करते हैं, पर किस तरह डिसाइड करते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कोटा को डिसाइड करते हैं बेस्ड अपॉन फोर फैक्टर्स जो है जीडीपी, ओपननेस, इकोनॉमिक वायबिलिटी और इंटरनेशनल रिजर्व्स। ये किसी कंट्री की इकोनॉमी पे बेस्ड कोटा देते हैं, और वो इकोनॉमी को किस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं? ये चार कंपोनेंट्स हैं उस फॉर्मूला के, राइट? अब इन चारों कंपोनेंट्स के अलग अलग वेटेज है, वेटेज मैं अभी लिख देती हूँ यहाँ। वेटेज इज 50% फॉर जीडीपी, ओपननेस की वेटेज है 30%, इकोनॉमिक वायबिलिटी की वेटेज है 15%, राइट? 15 है ये, 15%, इंटरनेशनल रिजर्व्स की वेटेज है 5%। नाउ ये हो गया, इस बेसिस पे कोटास डिसाइड किए जाते हैं। अब वोटिंग पावर कैसे मिलती है नेशंस को? वोटिंग भी कोटा के बेसिस पे होती है, जितना ज्यादा जिसका कोटा होगा उतनी ज्यादा उसकी वोटिंग होगी, वोटिंग पावर होगी, और उतनी ही ज्यादा उसके स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होंगे। अब हम बात करते हैं स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स की, या फिर सबसे पहले बात करते हैं कोटा का रोल क्या है, राइट? कोटा का रोल क्या है? कोटा का रोल रिसोर्स कंट्रीब्यूशन में है, कि कितनी रिसोर्सेज एक नेशन कंट्रीब्यूट करेगा आईएमएफ को, उसमें कोटा का रोल है। वोटिंग पावर कितनी होगी कोटा की, किसी एक नेशन की, वो भी कोटा पर डिपेंड करता है। एक्सेस टू फाइनेंसिंग, कितनी फाइनेंसिंग को उसको एक्सेस मिलेगी, कितने पैसे को एक्सेस मिलेगी, कितनी फंड्स को एक्सेस मिलेगी, दिस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द कोटा ऑफ अ नेशन। ऑल्सो द स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स की एलोकेशंस जो होंगी वो कितनी होंगी, ये भी कोटा पर डिपेंड करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट SDRs। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स क्या है? स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स 1969 में बने थे बाय IMF। दिस इज वॉट, दिस इज एन इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है, ये एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है जो कि बना था इन द ईयर 1969 टू सप्लीमेंट द इंटरनेशनल रिजर्व्स ऑफ नेशंस। जो इंटरनेशनल रिजर्व्स हैं नेशंस के उनको सप्लीमेंट करने के लिए ये बना था इंटरनेशनल रिजर्व एसेट, जिसका नाम है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। और ये जो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स हैं इनकी डिनोमिनेशन किस में होती है? यूएस डॉलर में। और ये किस पे बेस्ड है? ये 5 वाइडली यूज्ड करेंसीज, वाइडली ट्रेडेड करेंसीज पे बेस्ड हैं। ये 5 करेंसीज कौन सी हैं? 5 इलीट या रिजर्व करेंसीज कहते हैं इनको। यूएस डॉलर है इसमें, पाउंड स्टर्लिंग है इसमें, जापानीज येन है इसमें, यूरो है यूरोपियन यूनियन का, और चाइना का युआन है या रेमिनबी है। ये 5 करेंसीज हैं जो इलीट रिजर्व करेंसीज हैं जिन पे SDR बेस्ड होते हैं, राइट? नाउ SDR के बारे में कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है जो कि बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं बहुत बार। फर्स्ट थिंग इज SDR इज नॉट अ करेंसी, ये एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है।
सेकेंड थिंग इज इट इज़ नॉट अ क्लेम टू IMF. IMF पे ये क्लेम नहीं है नेशंस का, इट इज़ जस्ट अ सब्सक्रिप्शन दैट यू कैन गेट. ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट रिजर्व ट्रांच पोजिशन या गोल्ड ट्रांच. गोल्ड ट्रांच या रिजर्व ट्रांच क्या होता है? सो अब हमने बात की कि एक कंट्री का कुछ शेयर है, सपोज कंट्री ने 100 crores दिए एज अ पार्ट ऑफ इट्स कोटा टू IMF. ठीक है, अब उन 100 crores में से कितने ऐसा अमाउंट है जो कि वो कंट्री किसी भी टाइम इन केस ऑफ अ प्रॉब्लम ले सकती है, उसको हम रिजर्व ट्रांच कहते हैं या फिर RTP, रिजर्व ट्रांच पोजिशन. राइट, वो जो कोटा है, वो जो RTP है, वो विदाउट एनी एक्स्ट्रा फीस, विदाउट एनी इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक रिफॉर्म कंडीशंस कंट्री को मिल सकता है. ठीक है, कंट्री उसको यूज कर सकती है एज फर्स्ट रिजॉर्ट फैसिलिटी, कि जब कोई प्रॉब्लम हुई सबसे पहले वहां से पैसे ले ले, क्योंकि वो फ्री में मिल रहा है और वो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है, कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म की कंडीशन नहीं है. पर अगर किसी कंट्री की कोई प्रॉब्लम है जो कि उस सपोज 100 crores में से RTP में 25 crores है उसके, राइट, पर उस कंट्री की जो रिक्वायरमेंट है वो इससे ज्यादा है, RTP से उसके जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व नहीं हुई, तो वो क्या करेगी? वो क्रेडिट ट्रांच लेगी. क्रेडिट ट्रांच में क्या होता है? RTP में तो कोई कंडीशन नहीं थी, लेकिन क्रेडिट ट्रांच में कंडीशन आ जाती हैं. एक कंडीशन जैसे कि 3 ईयर के बाद उसको रिटर्न करना पड़ेगा. सो ये क्रेडिट ट्रांच होता है. RTP में कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है और इकोनॉमिक रिफॉर्म की कंडीशन नहीं है. राइट, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब हम बात करते हैं इंडिया एंड IMF की. इंडिया की क्या रिलेशनशिप रही है विद IMF? इंडिया हैज बोरोड फ्रॉम IMF ऑन मल्टीपल ओकेजन्स. मल्टीपल ओकेजन्स पे इंडिया ने IMF से बोरो किया है, लेकिन अब आफ्टर 1993-1994 इंडिया ने बोरो नहीं किया है IMF से, और इंडिया एक नेट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द फंड्स ऑफ IMF है. अभी इंडिया लेंडर है IMF को, बोरो नहीं करता है. राइट, अब पास्ट में हमने देखा कि 1991 में क्या हुआ था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था इंडिया में, जिसके बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म्स आए थे. सो वो LPG रिफॉर्म्स भी क्यों हमने लिए? क्योंकि हमें वो लेने पड़े थे उस वक्त, बिकॉज वी बोरोड मनी फ्रॉम IMF एंड दोज रिफॉर्म्स वर फोर्स्ड अपॉन अस. इट इज नॉट अबाउट द रिफॉर्म्स बीइंग गुड और बैड, द रिफॉर्म्स अल्टीमेटली वर गुड, राइट, बट उस वक्त वी वर फोर्स्ड टू फॉलो दैट सिस्टम. राइट, तो अब हमने जैसे पहले बात की थी पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज की, पार वैल्यू सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की, अब हम बात करते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम की. पार वैल्यू में क्या था? हमने बोला था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था. फ्लोटिंग में क्या है? फ्लोटिंग या मैनेज्ड एक्सचेंज रेट कहते हैं, इसमें करेंसी की वैल्यू फिक्स नहीं की जाती है, इसमें करेंसी की वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द मार्केट वैल्यू, तो मार्केट के बेसिस पे करेंसी की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है, एंड इट इज़ नॉट फिक्स्ड. अब इंडिया फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम को फॉलो करता है. पार वैल्यू सिस्टम वॉज कोलैप्स्ड. पार वैल्यू सिस्टम बहुत देर पहले ही बंद हो चुका था. राइट, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स की बात करते हैं वर्ल्ड IMF की. सो सारी ही रिपोर्ट्स याद करना ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है और रिक्वायर्ड भी नहीं है, बट देर आर सर्टन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स विच यू शुड रिमेंबर, विच विल बी लाइक मार्क्स आपको दिला सकती हैं ये. राइट, तो वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और फिस्कल मॉनिटर. ये 3 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं IMF की. इसी तरह हर एक ऑर्गेनाइजेशन की हम सिर्फ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स पढ़ लेंगे और फिर एंड में कंपाइलेशन करेंगे जो कि सिर्फ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स की होगी. दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव. राइट, अब लेट्स अगेन टॉक अबाउट आर 7-day फ्री ट्रायल. अगर आपने अपना 7-day फ्री ट्रायल स्टार्ट नहीं किया है, देन गो ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड स्टार्ट योर 7-day फ्री ट्रायल नाउ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट IMF रिफॉर्म कोटास. तो रिफॉर्म्स क्यों चाहिए थे IMF में? तो इट इज एलिजेड बाई वेरियस डेवलपिंग नेशंस की जो IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशन है ना, वो बायस्ड हैं, वो वेस्टर्न नेशंस को फेवर करते हैं और एशियन नेशंस को और बेसिकली इमर्जिंग इकोनॉमीज को फेवर नहीं करते हैं. राइट, तो इसलिए वो बायस्ड हैं. और उन्होंने कहा, रादर कहते ही आए हैं कि ये जो लोन्स देते हैं ना, इनकी जो कंडीशंस होती हैं बहुत हार्श कंडीशंस होती हैं. ये लोन्स की कंडीशंस बहुत ही हार्श होती हैं कंट्रीज के लिए, और ये वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच को फॉलो करते हैं. मतलब कि ये कंट्री की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को नहीं देख रहे हैं, ये सिर्फ जो इनका एक सेट पैटर्न है उसी में रिफॉर्म्स बता देते हैं हर नेशन को. और कई बार वो जो ऐसे रिफॉर्म्स हैं वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाते हैं, मतलब वो फायदा देने के बजाय नुकसान दे देते हैं कंट्रीज को. इसलिए रिफॉर्म्स वर डिमांडेड.
रिफॉर्म्स की डिमांड थी कि IMF को कुछ रिफॉर्म्स करने चाहिए, सबसे पहले तो कुछ कोटा शिफ्ट करना चाहिए इमर्जिंग नेशंस की तरफ, ठीक है। ये बहुत देर से डिमांड चल रही थी, फ्रॉम अराउंड 2010 टॉक्स चल रही थी, पर 2016 में रिफॉर्म्स हुए। इन रिफॉर्म्स के अंदर इंडिया को क्या फ़ायदा हुआ? इंडिया के वोटिंग राइट्स इंक्रीज हुए। इंडिया के वोटिंग राइट्स जो कि 2.3% थे पहले, अब 2.6% हो गए। फिर इंडिया का जो कोटा शेयर था जो कि पहले 2.44% था, अब ये 2.75% हो गया। और क्या हुआ, मोर देन 6% ऑफ द कोटा फ्रॉम वेस्टर्न नेशंस वॉज शिफ्टेड टूवर्ड्स द डेवलपिंग नेशंस। ये 6% कोटा शिफ्ट हुआ डेवलपिंग नेशंस की तरफ। और बिकॉज ये जो डेवलपिंग नेशंस थे, पर्टिकुलरली चाइना इंडिया जैसे नेशंस जो थे, ये बहुत ही अपसेट थे, तो इन्होंने अपने ऑल्टरनेट इंस्टीट्यूशंस बनाना शुरू कर दिए थे, जैसे ब्रिक्स बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये ऑल्टरनेट इंस्टीट्यूशंस थे, ताकि जो जैसे वहाँ पर उनके साथ बायसनेस होती है ना, कि उनका शेयर कम है, कोटा कम है, ऐसा यहाँ पर ना हो, इसलिए ऑल्टरनेट इंस्टीट्यूशंस बनने लग गए थे। नाउ वी नो दैट चाइना, इस वक्त इंडिया जो है 8th लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है, चाइना 3rd लार्जेस्ट है IMF में। ओके, अब लेट्स कम बैक टू दिस। ये क्या है? दिस इज अ माइंड मैप अबाउट IMF एंड इट्स रिफॉर्म्स एंड व्हाट इट नीड्स। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट IMF में हम करते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट, इट इज फंडेड बाय अ चार्ज नोन एज कोटा पेड बाय मेंबर नेशंस। तो IMF की फंडिंग कैसे होती है, हमें सबको पता है, कोटा के थ्रू। हर एक नेशन कोटा देता है, उस तरह IMF की फंडिंग होती है। अब हमने यहाँ पर इंडिया के कोटा की बात की, इंडिया के वोटिंग राइट्स की बात की, ये सब कुछ हम कर चुके हैं। सो दिस इज जस्ट फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। आप इसको पढ़ के आपको सब कुछ पता लग जाएगा, ये सब बातें हमने कर ली हैं। राइट, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सर्टन MCQs टू सी व्हाट यू हैव रिटेन्ड। अब द फर्स्ट MCQ इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया वॉज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ IMF। इंडियन करेंसी होल्ड्स मोर देन 5% ऑफ द वोटिंग पावर इन IMF। क्या इंडिया IMF का फाउंडिंग मेंबर था? Yes, we spoke की 44 nations जिनकी Bretton Woods में meeting हुई थी, उसका India भी part था। Next is, Indian currency holds more than 5% of the voting power in IMF. क्या Indian currency की voting power more than 5% है? नहीं, हमने अभी किया कि Indian currency की जो voting power है 2.5% है, that is, it is less than 3%, right? So this is correct and this is incorrect, answer becomes A. Next question is, गोल्ड ट्रांच और रिजर्व ट्रांच रेफर्स टू अ लोन सिस्टम ऑफ वर्ल्ड बैंक। क्या ये वर्ल्ड बैंक का एक लोन सिस्टम है? वन ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ वर्ल्ड बैंक। क्या ये वर्ल्ड बैंक का कोई एक ऑपरेशन है? क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय WTO टू इट्स मेंबर्स। क्या ये WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक क्रेडिट देने का सिस्टम है, या फिर क्या ये क्रेडिट सिस्टम बाय IMF टू इट्स मेंबर्स है, या फिर ये IMF का क्रेडिट देने का सिस्टम है? हमने अभी किया, ये IMF का क्रेडिट देने का सिस्टम है, जिसमें विदाउट इकोनॉमिक रिफॉर्म कंडीशंस और विदाउट एनी फीस कंट्री को फंडिंग मिल जाती है, उसको कहते हैं गोल्ड ट्रांच या रिजर्व ट्रांच। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, इंडिया इज अ नेट बोरोअर ऑफ फंड्स फ्रॉम IMF। क्या इंडिया नेट बोरोअर है IMF से? इंडिया हैज ऑलवेज बिन अ लेंडर टू IMF बिकॉज इट इज अ फाउंडिंग मेंबर। और इंडिया क्या हमेशा लेंडर रहा है? हैज इंडिया ऑलवेज बिन अ लेंडर? क्या इंडिया हमेशा लेंडिंग करता रहा IMF को क्योंकि वो फाउंडिंग मेंबर है? बोथ दी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। इंडिया ने इन द पास्ट बोरोइंग भी की है, पर इंडिया इस वक्त जो है नेट कॉन्ट्रीब्यूटर है। सो द करेक्ट आंसर इज ना। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर कंबाइंड स्टेट सिविल सर्विसेज बैच। दिस बैच विल कवर GS एंड CSAT। ऑल्सो दिस हैज अ स्पेशल फीचर ऑफ 7 days फ्री ट्रायल, लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। इस 7 day फ्री ट्रायल में आप हमारे लाइव लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं 7 days एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल्सो यू विल गेट एक्सेस टू मोर देन 250 लेक्चर्स और आपको मौका मिलेगा हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर्स से पढ़ने का। सो टू स्टार्ट योर 7 day फ्री ट्रायल, गो ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, डू लाइक एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल अभिमन्यु IAS एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।